अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मेरे करीबी दोस्त हैं और यदि जरूरत पड़े तो अमेरिका सहायता करेगा। इस बात को सुनकर इमरान खान, जी हाँ, ये भाई साहब फूले नहीं समा रहे हैं। इस भाई साहब को लग रहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को कश्मीर दिला के छोड़ेगा, लेकिन इमरान लौंडे ये शायद भूल रहे हैं कि ट्रंप ने केवल सहायता के लिए कहा है। और तो और, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि वह किसके साथ मिलकर सहायता करेंगे। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में इमरान खान की निगाहें ट्रंप के पास थी कि ट्रंप कब मुझसे आकर मिले। आखिरकार मजबूर होकर ट्रंप को इमरान खान से मिलना ही पड़ा। मुलाकात होते ही ट्रंप ने कहा कि व्यापार बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है और हम लोग कुछ सीमाओं पर भी साथ काम कर रहे हैं। इन सब बातों को सुनकर इमरान भाई के अंदर लड्डू फूटने लगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, यदि हम सहायता कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हम सहायता करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप से मिलकर इमरान खान ने कश्मीर पर बातें ना करके सीधा अफगानिस्तान पर जा पहुँचे, क्योंकि अब इमरान खान को लग रहा है कि कहीं भारत अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर ले। इसलिए इमरान लौंडे ने कश्मीर पर पहले ही बात ना करके अफगानिस्तान को बचाने में लगे हैं। आपको बता दें कि इमरान ने कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि आने वाले समय में पाकिस्तान जाकर मटन मसाले खाएंगे, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। इस पर इमरान खान मुंह लटकाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस पाकिस्तान आ गए। आपको बता दें कि अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मसले पर हल निकालने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मोदी सरकार की फटकार से डोनाल्ड ट्रंप डर गए और ट्रंप ने कश्मीर मसले पर आपस में सुलझाने को कह दिया।